गराठा विधानसभा सीट के लिए झांसी में समाजवादी पार्टी की तरफ से दीप नारायण सिंह यादव मैदान में हैं और बता दें कि दीप नारायण सिंह यादव ने अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया है। पर्चा दाखिल करने के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा ने सिर्फ वादे किए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा धरातल पर कोई भी काम नहीं कराया गया है। कहा भ्रष्टाचार के आरोप लगाना और भ्रष्टाचार करने में बड़ा फर्क है। जिन्होंने गरीबों के लिए काम नहीं, इसलिए बदनामी कर सकते, आरोप लगा सकते। हम लोग विधायक निधि बेचने वाले विधायक नहीं रहे, हम लोग जनता से कमीशन वाले लोग नहीं रहे, हम लोग अपनी मेहनती कमाई से गरीब की बेटियों की शादी करने वाले रहे। हम लोगों ने अपनी जिंदगी में यही उतारा कि अगर जनता ने आशीर्वाद दिया है, मौका दिया है, तो कोशिश अच्छी करेंगे। हमने जातियों की नफरत कम करें, इसलिए सब बेटियों को अपनी बहन बनाकर शादियां की हैं। इन्होंने किसी गरीब की जमीन, किसी की गरीब की कभी कोई मदद नहीं की। इनका जमीन ही नहीं है इस तरह का कि ये गरीब की मदद करें। ये लोगों के बोर्ड पर भावनाओं से खेलकर बनने वाले लोग हैं और हम लोगों ने जीवन में काम किया है। मैं कह सकता हूँ काम जीतेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews/